नमस्कार दोस्तों, मैं वीके पांडे जीके राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएसटीसी की परीक्षा के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बीएसटीसी के लिए इस समय पढ़ रहे हैं और बीएसटीसी की क्लास आपके सामने लाइव है। आप देख सकते हैं बीएसटीसी और पीटेट के लिए आज हम कौन कौन से प्रश्न करवाने वाले हैं। सबसे पहले मेरे भाई आप लोग प्रश्न देख लें ताकि आपको उत्तर देने में आसानी रहे। प्रश्न एक बार अच्छे से देख लीजिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। और आज की क्लास का हीरो कौन होगा ये हम लास्ट में आपको बताएंगे, किसके सबसे अच्छे अंक आते हैं। आज की परीक्षा में यदि आपका 13 या 13 से ऊपर आता है तो ही आज आप अपने आप को माने कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, अन्यथा आप तैयार नहीं हैं, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 है, ध्यान से समझते जाइए, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अतिथि, अतिथि, रिश्तेदार, अभ्यागत या अनाहूत, चार विकल्प हैं। उत्तर दीजिए मेरे भाई लोग, जिसे बुलाया ना गया हो। अतिथि, अभ्यागत, रिश्तेदार या अनाहूत। और एक बार सब लोग जल्दी से जरा सब वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास प्रारंभ हो गई है, कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, और जल्दी से लाइव आ जाइए सबके सब मेरे भाई, जल्दी से लाइव आ जाइए। इसलिए आप लोग सबको वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए मेरे भाई। चलिए अब देखिए, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिए, मैं आप सभी को देख रहा हूं। जिसे बुलाया ना गया हो, देखिए अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, बहुत पूछा जाता है। अतिथि का विलोम क्या होता है, अगर आप में से किसी छात्र को पता हो तो बताइए। ये होमवर्क है, आप खूब खोजबीन कर लीजिएगा, होमवर्क है मैं आपको दे रहा हूं। अतिथि का विलोम अगर किसी को पता हो तो बताइएगा, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, रिश्तेदार, रिश्तेदार जानते ही हैं सामान्य शब्द है, अभ्यागत या अनाहूत। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा अनाहूत। अनाहूत क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनाहूत। ठीक है, अगला प्रश्न, बहुत जल्दी से प्रश्न करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, प्रत्येक प्रश्न पर अधिक से अधिक 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, अगर प्रश्न लंबा हुआ तो, नहीं तो 1 मिनट में ही खत्म कर देंगे उसे। देखिए, संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द है, संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, 7 से 8 बार रिपीट किया हुआ है इसको। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। चार विकल्प है, संक्षेप, विकीर्ण, विस्तीर्ण या विस्तार, जरा बताएं, चार विकल्प है, उत्तर दीजिए मेरे भाई। संकीर्ण शब्द का विलोम होगा, कहते ना कि वो बड़ा संकीर्ण सोच का है, मतलब बहुत छोटी सोच का है, बहुत सिकुड़ी हुई सोच का व्यक्ति है। तो बताइए संकीर्ण का विलोम क्या होगा। जल्दी से बताएं मेरे भाई, तो हमारा जो सही उत्तर है, जो हमारे छात्र उत्तर दे रहे हैं, बस एक काम आप नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करने का काम, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको आज की संख्या 200 तक पहुंचानी है मेरे भाई। अब 100 तक से भी काम नहीं चलेगा, संख्या 200 तक पहुंचानी है आपको, तो वीडियो को सभी के पास शेयर करिए ताकि आपको मैं लगातार क्लासेस देता रहूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब से आपको मैं कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ा करके भी दिया करूंगा, तो वह भी अब आपको मिलने लगा होगा, 2 से 3 भाग आपको मिल रहे होंगे और उसके आगे के भी भाग मैं आपको देता रहूंगा, 7 से 8 भागों में आपको वर्णमाला दूंगा पूरी की पूरी। चलिए, संकीर्ण का क्या हो जाएगा मेरे भाई, विस्तीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विलोम विस्तीर्ण, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, एकदम अपने दिमाग में मस्तिष्क में नोट करके रख लीजिए। संक्षेप मतलब होता है कम शब्दों में, विकीर्ण का मतलब होता है विस्तीर्ण, मतलब छोटा, विकीर्ण जब फैला हुआ है ना, और विस्तार का मतलब बड़ा। ठीक है, अब देखिए, संकीर्ण का विलोम याद रखिएगा एकदम एक लाइन में, विस्तीर्ण हो जाएगा। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, संस्कार शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है,
कौन सा लगा हुआ है, सु उपसर्ग, सम उपसर्ग, संस उपसर्ग या स उपसर्ग। चार विकल्प है, आपको उत्तर देना है। थोड़ा सा समय ले लीजिए और जल्दी से उत्तर दीजिए। सभी भाई बहन उत्तर दें जल्दी से। बिना किसी जल्दीबाजी के, बिना किसी दिक्कत के उत्तर दीजिए। संस्कार शब्द में उपसर्ग है, संस्कार शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग करता क्या है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लग करके उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है। तो उपसर्ग क्या करता है, किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है। तो ये क्या करते हैं, किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, मेरे बहुत सारे भाई बहनों का उत्तर आ चुका है, तो जो सही उत्तर है वो है सम उपसर्ग है। संस्कार में सम उपसर्ग है, समधनकार, समधनकार बराबर संस्कार, समधनकार बराबर संस्कार। तो ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर चार, जब आप उत्तर दे रहे हो तो ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या जरूर लिखिए ताकि मैं जान पाऊं कि आप किस प्रश्न के लिए उत्तर कर रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या चार, कौन से समूह के सभी शब्द चांदनी की पर्यायवाची हैं? ध्यान दीजिएगा, चांदनी की पर्यायवाची हैं। इसमें कोई एक विकल्प ऐसा है जिसमें सभी पर चांदनी की पर्यायवाची हैं, चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, कौमुनी, ये कौमुदी कर दीजिए, कौमुदी, मयंक, राशि, चंद्रमरीचि, कलानिधि, कलध्योत, उजियारी, ज्योत्सना और रजत। ये चार विकल्प हैं। मैं आपको समय दे देता हूँ एक मिनट का, आप लोग उत्तर दीजिए। मैं तब तक आपके कमेंट बॉक्स पर हूँ, आपका कमेंट देख लेता हूँ कि आपके उत्तर किस तरह आ रहे हैं। लगातार सही उत्तर आइए, लगातार सही उत्तर दीजिए मेरे भाई, लगातार सही उत्तर दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी छात्रों तक पहुंच पाएं। अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए बहुत अच्छे, लगातार उत्तर आ रहा है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं सही उत्तर क्या है। सभी चांदनी की पर्यायवाची हैं, जिसमें तो चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये सभी जो है क्या है, चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, विकल्प ए आपका सही है, ये सभी चांदनी की पर्यायवाचियां हैं। ये सभी क्या है, चांदनी की पर्यायवाची हैं। तो जो हमारा पहला विकल्प है ये सही है। फटाफट उत्तर दीजिए, बिल्कुल कम समय में उत्तर देने की कोशिश करेंगे ताकि तैयारी का कुछ महत्व निकले। अब लंबा समय लगाने से कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि बहुत सी चीजें आप लोग जान चुके हैं, बहुत सी चीजें हम आपको बता चुके हैं। देखिए इस मुहावरे का अर्थ बताना है, अंडे का शहजादा, मुहावरे का अर्थ बताइए। अंडे का शहजादा, मुहावरे का अर्थ बताइए। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा, कहते ना अंडे का शहजादा हो तुम, तो जरा बताइए चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। मैं आपके सामने हूं और आपके कमेंट बॉक्स पर हूं, आपका कमेंट पढ़ रहा हूं लगातार।
और आप लोग उत्तर देते रहें। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए बिना समय गंवाए। बिना समय गंवाए उत्तर देते जाइए जल्दी से, ताकि हम आपके उत्तरों को देखते जाएं और आपके उत्तर को देख करके हम बता पाएं कि किस भाई का उत्तर एकदम सही आया है। देखिए, हमने आपसे पूछा अंडे का सहजादा। अंडे का सहजादा यानी अंडा छोटा होता है, तो अनुभवहीन व्यक्ति की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अनुभवहीन व्यक्ति की बात की जा रही है। कह रहे हैं अंडे का सहजादा, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंडे का सहजादा मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति को हम अंडे का सहजादा कहते हैं, ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देना है आपको। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि अभि उपसर्ग। उपसर्ग है, इसका मतलब कहीं आगे लगेगा। प्रत्यय होता तो कहां लगता? पीछे लगता। उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? उपसर्ग और प्रत्यय की एक सीरीज में चलाऊंगा, उसमें मैं आपको बता पाऊंगा कि उपसर्ग और प्रत्यय जितने भी हैं पूरे, मैं उन सभी को लेकर के ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन कैसे कैसे प्रयोग होता है। वहां से आपको हम बहुत विस्तृत व्याख्या करेंगे इसकी। अपवाद विपरीत, सामने पास विशेष, नीचा बुरा हीन, पीछे या समान। अभी उपसर्ग का प्रयोग कब करते हैं, यानी अभी उपसर्ग का अर्थ बताना है, किन अर्थों में हम इसका प्रयोग करते हैं। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मेरे भाई। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, चार विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। अपवाद विपरीत, सामने पास या विशेष, नीचा बुरा या हीन, पीछे या समान। उत्तर दीजिए। देखिए, अभी उपसर्ग का जो हम प्रयोग करते हैं वो, जैसे हमने कहा अभिश्राप, अभिषेक, कब करते हैं? सामने के लिए, पास के लिए और किसके लिए? विशेष के लिए। कब करते हैं अभी उपसर्ग का प्रयोग? सामने के लिए, पास के लिए, विशेष के लिए। यानी विकल्प बी हमारे सामने सही है, विकल्प बी एकदम सही है। अभी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं सामने, पास और विशेष के लिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सावन हरे न भादव सूखे, क्या कहते हैं? सावन हरे न भादव सूखे, इसका उत्तर देना है। सावन हरे न भादव सूखे, इसका उत्तर दीजिए। सदा एक समान होना, सदा आलसी होना, हमेशा दरिद्र होना, निकम्मे का घर या बाहर रहना। निकम्मे का घर या बाहर रहना, उत्तर दीजिए। सावन हरे न भादो सूखे, जब आप मुहावरों को देखते होंगे ना, तो वहीं से आपको अर्थ समझ में आना शुरू हो जाता होगा। कह रहे हैं सावन हरे न भादव सूखे, यानी कि सावन में भी जो है हरे नहीं होते हैं वर्षा के मौसम में भी, और भादव में सूखते भी नहीं है, अर्थात सदा एक समान बने रहते हैं। तो सदा एक समान होना, सदा एक समान होना, सावन हरे न भादव सूखे। सावन हरे न भादव सूखे मतलब सदा एक समान बने रहना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सदा एक समान बने रहना। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है। कह रहे तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं पूछा जा रहा है। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। एक होमवर्क नोट कर लीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। मैं यहां बता दूंगा कौन कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। ये आपको बताना है कि तद्धित प्रत्यय होते कौन कौन से हैं, आखिर में कौन कौन से प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय की संज्ञा देते हैं।
हाँ, कौन कौन से प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय की संज्ञा देते हैं यह आपको बताना है। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। मैं आप सबका उत्तर देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में, उत्तर दीजिए मेरे भाई। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी छात्रों तक वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक हम पहुंच पाएं। और आपकी संख्या बहुत कम नज़र आ रही है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा मेरे भाई। संख्या में वृद्धि करिए, जोरदार वृद्धि करिए, तब तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और इस 6 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं, इसका उत्तर मैं चाहूंगा मेरे भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद। प्रश्न नंबर 9 देखिए। निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। अब आपको शुद्ध अशुद्ध पूछा जा रहा है, कह रहे हैं शुद्ध अशुद्ध बताइए, पल्लव, कलांतर, सामान्य या परिहास। 4 विकल्प है, इनमें से एक शुद्ध होगा, बाकी 3 अशुद्ध होंगे। आपको बताना है कौन सा शुद्ध शुद्ध लिखा है, बताइए। चार विकल्प है, पल्लव, सामान्य, कालांतर, परिहास। सभी भाई बहन लगातार उत्तर दे रहे हैं, ऐसे उत्तर देते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ सकें। अपनी संख्या में वृद्धि करिए मेरे भाई, अपनी संख्या में वृद्धि करिए, तभी मज़ा आएगी पढ़ने पढ़ाने में। चलिए, हमने आपको बताया तद्धित प्रत्ययों की संख्या 6 होती है, उसके बाद हमने आपसे पूछा शुद्ध और अशुद्ध शब्द, जिसमें हमने आपको बताया पल्लव, सामान्य, कलांतर और परिहास। अब मैं आपको बताता हूँ कौन शुद्ध है और जो अशुद्ध है वो शुद्ध कैसे होगा। जब हम पल्लव लिखते हैं तो प आधा ल ल और व लिखते हैं, इसमें देखिए दोनों को आधा ल पूरा ल करके लिख दिया है। अब यहाँ से आपको हम एक मजे की बात बताने वाले हैं, जब कोई भी वर्ण अर्ध हो और उसी का पूर्ण वर्ण हो, यानी एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूर्णा, जैसा कि अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पल्लव, तो हम ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन की संज्ञा देते हैं। द्वित्व व्यंजन की संज्ञा देते हैं जब ये एक समान हो, ध्यान दीजिएगा, आधा ल और पूरा ल, ये दोनों क्या है, एक समान है, तो इसको हम द्वित्व व्यंजन की संज्ञा देंगे। जब यही असमान होते, यानी एक आधा और दूसरा पूरा होता, मगर उसमें काम की चीज ये ध्यान देने वाली थी कि दोनों भिन्न भिन्न होते, तो उस परिस्थिति में उसको हम संपृक्त व्यंजन की संज्ञा देते हैं। कालांतर नहीं होता मेरे भाई, कालांतर होता है। जब इसको हम लिखते कालांतर, तब यह सही हो जाता, अभी यह सही नहीं है। हमने अभी जो सही है वो है विकल्प बी, यानी सामान्य, जो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी आप लोग बहुत अच्छे हैं, उत्तर दे रहे हैं। परिहास, परिहास नहीं होता, परिहास होता है, तो इसमें जो मात्रा होगी वो छोटे ई की होगी, तब ये सही हो जाएगा। दोस्तों मज़ा तो तब है जब हम चारों विकल्पों के बारे में आपको कुछ बताते रहें, और तभी मज़ा आएगी। लेकिन जब चारों विकल्पों के बारे में कुछ खास बताने जैसा नहीं होता है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए प्रश्न संख्या 10 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 10 में भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, आपको बताना है कौन सा, मतलब इसमें से कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है। अनुदेश, अनुसंधान, अंचल या अनाधिकार, बताइए। 4 विकल्प हैं, उत्तर दीजिए। अनुदेश, अनुसंधान, अंचल या अनाधिकार। बहुत अच्छे आप लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं। इस पूरे प्रश्न का पीडीएफ पाने के लिए आप हमें हमारे नंबर 81 71 111 832, 81 71 111 832 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस ग्रुप में आपको लगातार, मैं आपको बता दूं, लगभग 250 पीडीएफ भेजी जा चुकी है, 250 प्लस पीडीएफ आपको दी जा चुकी है।
प्रश्न पत्रों की भी पीडीएफ है, नोट्स के भी पीडीएफ है, आप उसे सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप हमसे सीधा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और हमारे रिलेवेंट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि प्रश्न क्या था, यहाँ पर पूछ रहे थे कौन सा अशुद्ध है, तो तीन शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा। अनाधिकार जो है, हमारे बहुत सारे भाई साहब बता रहे हैं ये उत्तर सही है, यानी कि ये क्या है, अशुद्ध है। अनाधिकार जो है गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के बताइएगा कि जब ये अशुद्ध है तो शुद्ध क्या होगा। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में बंद उपसर्ग नहीं है, क्या कह रहे हैं, बद उपसर्ग, क्या कह रहे हैं, बद उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग मतलब आगे लगा होगा, कई बार बता चुका हूं तो ध्यान होगा आपको, बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी, बदस्तूर, बताइए मेरे भाई जल्दी से उत्तर बताइए। जल्दी से उत्तर बताइए, लगातार कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र जुड़ सके मेरे भाई। तो जल्दी से एक बार क्या कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए शेयर, ठीक है। चलिए, हमने आपसे पूछा कि किस क्रमांक में बद उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, बदस्तूर सब में है, बद शब्द का उपयोग है, बद धन किस्मत, बद किस्मत, बद धन हजमी, बद हजमी, बद धन नाम, बदनाम, लेकिन हमारा जो बदस्तूर है ये पूरा पूरा शब्द है, इसमें बद उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें बद उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जो हमारा है यहां पर तीन शब्दों में, किस्मत, बदकिस्मत, बदहजमी, बदनाम में बद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, परंतु बदस्तूर में बद उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 12 ध्यान से देखिए। हरिण का पर्यायवाची है, हरिण का पर्यायवाची है, हरिण का पर्यायवाची है, आपसे पूछा जा रहा है हरिण का पर्याय वाची क्या होगा, बिहग, खग, हंस या मृग, बताइए। हमने पूछा बिहग, खग, हंस या मृग, चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए बिना समय लगाए हुए। हमने कहा हरिण का पर्याय वाची है, हरिण का पर्यायवाची बिहग, खग, हंस या मृग। तो जो सही उत्तर मेरे भाई लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लगातार सही उत्तर आ रहा है, विकल्प डी, मृग जो है वो क्या है, हरिण की पर्यायवाची है, ठीक है, मृग जो है हरिण की पर्यायवाची है, बाकी इसकी पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 13, गुप्त का विलोम क्या होगा, गुप्त का विलोम क्या होगा, ध्यान से देखिए, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, हम पूछ रहे हैं गुप्त का विलोम, प्रकट होगा, सार्वजनिक होगा, स्पष्ट होगा, दृष्टव्य होगा, प्रकट, सार्वजनिक, स्पष्ट या दृष्टव्य, चार विकल्प हैं, आपको उत्तर देना है, उत्तर दीजिए, मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा हूं, जल्दी करिए। गुप्त का विलोम क्या होगा, गुप्त का प्रकट, सार्वजनिक, स्पष्ट या दृष्टव्य, चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए मेरे भाई जल्दी से। क्या बात है, लगातार कमेंट आ रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब लोग झूम के शेयर कर दीजिए, कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी तीन लोगों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। आप लोग जब तक हमारा उत्साह और मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आपके साथ लगातार निरंतर कार्य नहीं कर सकते मेरे भाई। तो आपको लगातार वीडियो को शेयर करते रहना है
ताकि हम आपके साथ पूरी मेहनत, ईमानदारी और उत्साह के साथ कार्य कर सकें। आपको जुड़े रहने के लिए कोई शुल्क नहीं मांगा जा रहा है। आप देख रहे हैं जो शुल्क लेते भी हैं वो भी इतनी मेहनत नहीं करते जितना हम आपके साथ निःशुल्क मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। आज ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाइव बुला लीजिए। हमने कहा गुप्त का विलोम क्या होगा, तो गुप्त का विलोम क्या होगा, प्रकट होगा, सार्वजनिक होगा, स्पष्ट होगा, दृष्टव्य होगा। तो गुप्त का विलोम बहुत सारे भाई लोग बता रहे हैं कि प्रकट होगा, गुप्त का प्रकट, ठीक है, गुप्त का प्रकट, गुप्त का प्रकट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव, आविर्भाव, पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव, आविर्भाव, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया गया है। चार विकल्प हैं, बताइए किसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको एकदम मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। मैं जितना भी मोस्ट लिखूं कम है। अब आप सोच लीजिए कि मैंने इतना मोस्ट लिखा है तो कितना महत्वपूर्ण होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका उत्तर होगा पर्यावरण, इसे भी नोट कर लीजिए। पर्यावरण में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे छात्र गलत करके आते हैं। यहाँ पर उपसर्गों का प्रयोग एक से अधिक कहाँ किया गया है, तो पर्यावरण में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत है, ठीक है। कृदंत प्रत्यय आप जानते ही होंगे, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कृदंत प्रत्यय। अभी आप हमारे कहने से मान लीजिए दुधार, भिड़ंत, मिठास या चतुराई, चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए, जल्दी से बताइए। अंतिम प्रश्न है, दुधार, भिड़ंत, मिठास या चतुराई, चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत है, यानी कृदंत क्या होता है, कृदंत मतलब होता है प्रत्यय, जल्दी से बताएं। दुधार, भिड़ंत, मिठास या चतुराई, तो भिड़ंत हमारे बहुत सारे भाई लोग उत्तर दे रहे हैं। भिड़ंत में क्या है, कृदंत है, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। आज के लिए हम इतना ही प्रश्न रखते हैं, और आपको अगर इस प्रश्न का पीडीएफ चाहिए तो 81 71 811 832 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 81 71 111 832 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमें हमारे टीम से संपर्क कर लीजिए, और हमारी टीम को व्हाट्सएप करके बता दीजिए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम पर जोड़ दिया जाएगा, जहां पर 250 से भी ज़्यादा आपको नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल हैं, वहां पर आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र देख सकें। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।